ऑफेंसेस, द ऑफेंसेस विच अफेक्ट्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध। उस चैप्टर में, चैप्टर 11 में आईपीसी के सेक्शन 228 ए जोड़ा गया और उसके जरिए कर दिया गया कि डिस्क्लोजर ऑफ रेप रेप विक्टिम इन रेप डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ गर्ल ऑफ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस शैल बी एन ऑफेंस, उसमें यौन अपराध की पीड़िता का की पहचान उजागर कर देने को अपराध बना दिया गया। 228 ए नई धारा जोड़ी गई, ये बड़ी चर्चा में रहती है। 2013 के अमेंडमेंट से इसका पनिशमेंट बढ़ा दिया गया थोड़ा। खैर 1983 में और क्या बदलाव हुआ, तो मैं बता दूं कि 1983 में जो हमने महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात की थी, इसको जरा देखिएगा, इसमें क्या था, दूर से हरकत करना, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बॉडी टच करने की कोशिश करना, इसका दो साल ही रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बिना कॉन्सेंट के इंटरकोर्स कर देना, इसमें क्या बदलाव किया गया, इसमें बदलाव किया गया, इसमें बदलाव अमाउंट ऑफ पनिशमेंट में क्योर किया गया, दंड की मात्रा में। पहले इसके लिए ओरिजिनल आईपीसी में पनिशमेंट मिनिमम 7 ईयर्स टू लाइफ इंप्रिजनमेंट था, मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट टू लाइफ इंप्रिजनमेंट था, मिनिमम 7। लेकिन हाँ, एक बता दें आपको कि जो ओरिजिनल आईपीसी थी उसमें जो मिनिमम 7 ईयर्स था, उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था, या सॉरी एक्सेप्शन लिखा हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कि बट जुडिशियल ऑफिसर शैल हैव डिस्क्रिशन डिस्क्रिशनरी पावर टू सेंटेंस द कल्प्रिट ऑफ रेप दैट ऑफेंडर ऑफ रेप फॉर लोअर अमाउंट ऑफ सेंटेंस फॉर अ टर्म ऑफ लोअर देन 7 ईयर्स ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट रिकॉर्डिंग द स्पेशल रीजन फॉर डूइंग सो। ऐसा करने का कारण लिखते हुए न्यायालय 7 साल से कम की भी सजा दे सकता था, यह जरूरी भी था। मित्र सपोज करिए 16 साल से छोटी लड़की की सहमति हो या न हो, रेप था और रेप के लिए सजा कितनी थी, मिनिमम 7 ईयर्स। तो मिनिमम 7 ईयर्स पे क्या था, सपोज करिए कि लड़की की उम्र 16 साल से कम है, 15 साल समथिंग है, और लड़के की उम्र, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब जुवेनाइल लॉज नहीं बने थे, आईपीसी 1860 का है, जुवेनाइल लॉज बहुत बाद में बनते हैं, जब जुवेनाइल लॉ नहीं बना था, सपोज करिए कि लड़की की उम्र 16 साल में 4 दिन कम है और लड़के की उम्र 16 साल के बाद 4 दिन और है, और दोनों कॉन्सेंट से उस उम्र में भाग जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं, इमेच्योर हैं और इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुलासा हो जाने पर, तहकीकात होने पर, ठीक है, आप पूछेंगे एविडेंस कहां से आएगा, हम सब्स्टिट्यूट ला पढ़ा रहे हैं, हमारा पर्पज इस समय एविडेंस कैसे आएगा नहीं है, खुलासा हो जाने पर, प्रूव हो जाने पर, इवन द गर्ल हैड ऑफर हिम, अगर प्रूफ हो जाता है दैट बॉय हैड कमिटेड इंटरकोर्स विद द गर्ल, ही वुड बी लाइबल फॉर रेप और सजा मिनिमम 7 ईयर्स। लेकिन क्या ऐसे लड़के को 7 साल की सजा देना ठीक है, जी नहीं, क्यों, क्योंकि एक तो नेचुरल एक्ट किया है, दूसरा क्या है, नेचुरल रीजन से किया है, मेल फीमेल का नेचुरल अट्रैक्शन है, फीमेल ने खुद ऑफर किया, मेल अपना सेल्फ कंट्रोल लूज किया, अपराध किया। यह अपराध एक्चुअली है क्यों, ये अपराध बिकॉज ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ है, अदरवाइज में अपराध का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाभ बनाता है, लाभ उचित है, यहां प्योरिटी ऑफ सोसाइटी को मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन उस लड़के को कोई शायद पता न हो या उसे बताना था कि सफिशियंट रीजन आते, वहां पे 7 ईयर से कम की सजा दी जानी ठीक हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं, थ्री सेवेंटी सिक्स जो पनिशमेंट की सेक्शन है रेप की, डिफिनेशन 375 में, पनिशमेंट 376 में, जो रेप की सेक्शन है 376, उसमें क्लास 2 जोड़ा गया 1983 के अमेंडमेंट से, और क्लास 2 जोड़ करके ये मिनिमम पनिशमेंट कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए, जो रेपिस्ट हैं, जो रेप किए होंगे, या कि किसी विशेष महिला की अवस्था की वजह से, वो बड़ी छोटी बच्ची है या गर्भ प्रेग्नेंट औरत है या गैंग रेप होने पर,
मिनिमम जो 7 था उसे इंक्रीज करके मिनिमम 10 कर दिया गया। यानी 1983 से पहले रेप के लिए एक ही तरह की सजा थी, मिनिमम 7 टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, पर 83 के बाद दो कैटेगरी में सजा हो गई, नॉर्मली मिनिमम 7 टू एलआई, और लेकिन स्पेशल कुछ लोगों के लिए या कुछ सिचुएशन में रेप के लिए मिनिमम 10 टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। ये मिनिमम 10 टू लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए किया गया। इनमें सेक्शन 376 क्लास 2 में कुछ लोगों को कैटेगराइज किया गया। इसमें तीन तो महिलाओं की दशा है, जैसे महिला प्रेग्नेंट है उसके साथ रेप हुआ, या गैंग रेप हुआ, या ऐसी लड़की के साथ हुआ जिसकी एज 12 साल से छोटी है, तो उसके रेपिस्ट के लिए वो ऐसे में मिनिमम 10 ईयर्स। लेकिन हाँ, यहां मिनिमम 10 से भी नीचे देने की डिस्कशनरी पावर दी गई, बट विद रिस्ट्रिक्शन टू रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ डूइंग सो। 10 साल से कम भी दे सकता है जज, लेकिन सब कारण को लिखे क्यों कम दे रहा। तो तीन तो ये हो गए, और चार विशेष लोगों को न्यूनतम 10 वर्ष की सजा की बात की गई। ये कौन? पुलिस ऑफिसर कोई जिस इलाके में तैनात उस इलाके में रेप करे, या कोई पुलिस ऑफिसर चाहे बाहर के इलाके में हो बट पुलिस की बिल्डिंग में करे, पुलिस थाने वगैरह में कर दे। ध्यान दीजिएगा, पुलिस ऑफिसर अगर आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग किया है तो उसके लिए मिनिमम 10 तब होगी, स्पेशल कैटेगरी में तब होगा जबकि वो अपने इलाके में किया हो। और अगर वो आउटसाइड, अगर वो पुलिस ऑफिसर है और बिल्डिंग में पुलिस से किया, तो चाहे वहां वो तैनात हो या नहीं हो, मिनिमम 10 होगा। इसके अलावा दूसरा, कोई पब्लिक सर्वेंट अपने सबॉर्डिनेशन अपने कस्टडी के किसी महिला के साथ कर दे, बिना कॉन्सेंट, रेप की बात ना कर रहा हूं, या अपने सबॉर्डिनेशन में के किसी ऑफिसर की कस्टडी में रह रही किसी महिला के साथ करे, तो उसके लिए। तीसरा, कोई जेलर या जेल का कोई कर्मचारी जेल में बंद महिला के साथ रेप करे, या अनाथालय का वार्डन वगैरह या वहां का कर्मचारी वहां रह रही महिला लड़की के साथ रेप करे। तीन। चौथा है, कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉय या डॉक्टर या मैनेजर या मालिक हॉस्पिटल में रह रही किसी लड़की के साथ महिला के साथ रेप करे, तो इनके लिए सजा मिनिमम 10 ईयर्स की गई, मैक्स अप टू एलआई लाइफ इंप्रिजनमेंट। मैं फिर से याद दिला दूं, यहां 10 से कम भी खेल सकता था। तो सात विशेष प्रश्न में चार विशेष लोग हो गए, पुलिस वाले, पब्लिक सर्वेंट या और यहां जेलर या अनाथालय वाले, और यहां पे हॉस्पिटल वाले। इन चार लोगों द्वारा अगर रेप किया गया, अपनी विशेष हैसियत का मिसयूज किया गया, तो इनके लिए सजा मिनिमम 10 ईयर्स कर दी गई। ये बदलाव कब किया गया? 1983 के क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में। मित्रों, एक बात मैं बता दूं, ये 2013 का जो संशोधन आया वो दामिनी केस से आया है। 2013 का अमेंडमेंट जो है वो दामिनी की घटना से आया। ये जो सरकारी मशीनरी एक्शन नहीं ले रही उसके खिलाफ एक आक्रोश हुआ, लोग सड़कों पर चले आए, इसकी वजह से बनाया गया। बट 1983 का जो अमेंडमेंट हुआ था वो एक दूसरे कारण से था। एक केस आया था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1979 में फाइनल आउट हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक लड़की जो थाने पर शिकायत दर्ज कराने अपने भाई के साथ गई थी, उसको दो सिपाही जो नशे में धुत थे जो गुसलखाने में घसीट ले गए, और उसके साथ उनमें से एक ने इंटरकोर्स किया और एक इतना ज्यादा ड्रंकन था कि वो नहीं कर पाया, यानी वो गैंग रेप था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, छोड़ दिया उन कल्प्रिट को, जिसको सुप्रीम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया था रेप के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह के छोड़ दिया कि लड़की की कॉन्सेंट थी, क्योंकि सिपाही भले दो थे, उसका भाई था साथ में, भाई छोटा था उससे, भाई था साथ में, भाई चाहता तो छुड़ा लेता। वाह, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ह्यूमन बीइंग के नाते कह रहा हूं कि यह फैसला जो है बौद्धिक प्रयोग से नहीं था। इस पर चाहे कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट ही लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं। और यही बात कहते हुए उस समय की जनता सड़कों पे आ गई थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, प्रदर्शन होने लगे थे, प्रदर्शन हुए 1980 में, तो उसके दबाव स्वरूप 1983 में बिल पास होता है जिसमें कह दिया गया कि इन लोगों को, पुलिस वाले अगर रेप किए होंगे तो सजा ज्यादा हो जाएगी, तो डरेंगे। अब आप कहेंगे तो वहां तो रेप किए ही नहीं, तो सजा कैसे होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रेप ही नहीं किए हैं। तो 1983 के एक्ट में चार नई धाराएं भी जोड़ी गई, 376A, 376B, 376C और 376D। ये चार धाराएं जोड़ी गई। मित्रों बता दूं, 2013 के एक्ट में, 2013 के एक्ट में ये चारों धाराओं के बाद एक 376E भी जोड़ दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, ये अपनी उस फॉर्म में नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं, इनमें सबके प्रोविजंस बदल दिए गए। 376 का प्रोविजन बदल गया, 375 की डिफिनेशन बदल चुकी है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे।
लेकिन ये चार में जोड़ा क्या गया, जरा सो समझ लीजिए, बदल गया है, बट इनको भी अभी एक सेक्शन में डाल दिया गया है, ये है अभी भी, नंबर ऑफ सेक्शन बदल गया है। तो प्रोविजन क्या किया गया, चार धाराएं जोड़ी गई, 366A जिसको छोड़ देते हैं, बी सी डी पे चर्चा कर लेते हैं। बी सी डी पे में कहा गया कि अगर कॉन्सेंट और विल के साथ भी इंटरकोर्स हुआ, मैथुन हुआ है, तो भी करने वाले मेल को पनिश किया जाएगा। अगर वो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर थाने में किया है, या बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट अपनी कस्टडी में, या अपनी सबॉर्डिनेट ऑफिसर के कस्टडी में रह रही महिला के साथ किया है, यहां क्या है, यहां रेप नहीं है मित्र, इंटरकोर्स किया है, रेप किया तो 3762 हो जाएगा, मिनिमम 10 ईयर्स हो जाएगा यहां, यानी कि लड़की की सहमति से है, वो 16 साल से बड़ी है, उसे कॉन्सेंट से है, तो भी पनिश किया जाएगा। यानी अब ये सुप्रीम कोर्ट का के या कोई कोर्ट का के नहीं छोड़ पाएगा कि पुलिस वालों ने थाने में गुसलखाने में खींच के उसके साथ इंटरकोर्स तो किया और कॉन्सेंट थी, साथ रेप नहीं था, तो रेप नहीं था तो कुछ तो था क्या, अगर वो रेप नहीं तो थानों में इस तरह से सर्च करने की दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सोच करके सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी पार्लियामेंट ने हमारी इसको कानून बना दिया कि थाने में या पब्लिक सर्वेंट के कस्टडी में जो महिला गई उस कस्टडी में, या सबॉर्डिनेट ऑफिसर कस्टडी में रहने वाली महिला से अगर कोई इंटरकोर्स भी करता है, यानी कि विद कॉन्सेंट, विद हर कॉन्सेंट करता है, तो भी उसके मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का इंप्रिजनमेंट किया जा सकता है। कौन कौन हो गए, पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट। 376C में ये बी है, हमने ए को बंद कर रखा है, बी में लिखा गया पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट के लिए, सी में रखा गया जेल ऑफिसर्स या जो अनाथालय चल रहे हैं आपके देश में, वुमेन हाउस वगैरह, वुमेन होम वगैरह जो चलते हैं, उसमें रह रही किसी महिला के साथ अगर किसी अधिकारी कर्मचारी किसी काम करने वाले ने कॉन्सेंट से भी इंटरकोर्स किया, यानी इंटरकोर्स ही वहां बैन है पूरी तरह से, मैथुन बैन है, चाहे इस महिला की सहमति ही क्यों ना, उसकी एज 16 से अधिक क्यों ना हो, आज 18 से अधिक क्यों ना हो, अभी भी बैन है, अगर किया तो सजा 5 साल तक का कारावास हो सकता है। और तीसरे में डॉक्टर यानी हॉस्पिटल में रहने वाले किसी भी पुरुष के द्वारा जो हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो, अगर किसी महिला से किया गया, क्या इंटरकोर्स किया गया उसकी सहमति से किया गया, तो भी अपराध बना दिया गया। तो ऐसे में तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1979 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसको लेके 1983 में जो संशोधन आया, इससे अब हो गया कि थाना में चाहे वो रेप हो यानी बिना सहमति के मैथुन हो तो भी दंडित किया जाएगा पुलिस वाला, और अगर उसकी सहमति भी होगी महिला की तो भी अगर वहां इंटरकोर्स करता है मैथुन करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। मित्रों एक बात यहां पे आप पूछ सकते हैं कि जब फैसला 1979 में आया था तो कानून 1983 में क्यों बना, तो थोड़ा सा पोलिटिकल इवेंट की बात मैं बता दूं आपको, अगर आप पोलिटिकल इवेंट जानते होंगे, आप में से जो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे पढ़ के देख लेंगे। 1977 में आपके देश में जनता पार्टी की सरकार बनती है, वह सरकार 1980 में गिर जाती है, तो 1980 में जब सरकार गिरी होगी उसके पहले आपके देश का पॉलिटिकल माहौल बहुत अनस्टेबल रहा होगा, उस समय जनता आवाज उठाई होगी, फिर 80 में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है, 3 महीने बाद वो भी हट जाती है, फिर चुनाव में सरकारें पार्टियां जाती हैं, 1980 में चुनाव होता है, इंदिरा गांधी की सरकार जीत के आती है, ऑब्वियसली इसको करते करते 1981 तो शुरू ही हो गया होगा, और फिर आपके देश में ड्राफ्टिंग हुई होगी, उसमें बहस हुई होगी, करते करते 1983 आ गया। खैर हमने आज ओरिजिनल आईपीसी में सेक्सुअल ऑफेंस पढ़ा और उसके बाद 1983 में जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो पढ़ा। इस वीडियो में आप सेक्सुअल ऑफेंस अंडर आईपीसी पार्ट 1 देख रहे हैं, अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे, जिसमें आज की जो करेंट सिनेरियो है उस पर जहां तक चर्चा हो सके किया जाएगा, क्योंकि 2013 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत लेंदी है, एक वीडियो में एक क्लास में पूरी बात बोल पाना शायद पॉसिबल न हो, तो हो सकता है कि हम 2 या 3 या 4 वीडियो बनाए।